हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद कृष्ण पर। आज के लेसन में हम करने वाले हैं 50 ऐसे सेंटेंसेस जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। और अगर आप भी चाहते हो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना और लोगों पर अच्छा इंप्रेशन जमाना, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। फर्स्ट सेंटेंस इज, माफ कीजिए मुझे आने में देर हो गई। एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग लेट। नेक्स्ट इज, क्या आप थोड़ा खिसकेंगे। इस वाक्य को जब हम मेट्रो में या बस में ट्रैवल करते हैं तो हम अक्सर इसे यूज करते हैं, क्या आप थोड़ा खिसकेंगे। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? यू विल से वुड यू माइंड मूविंग अ बिट और वुड यू माइंड मूविंग अ लिटिल। नेक्स्ट इज, आई एम जस्ट कमिंग, मैं अभी आ रहा हूँ। फोर्थ इज, और कुछ, एनीथिंग एल्स। जब आप किसी से और कुछ लेने के लिए पूछते हो तो आप इस तरीके से इंग्लिश में पूछ सकते हो, एनीथिंग एल्स। नेक्स्ट इज, इट इज टू मच, यह बहुत ज्यादा है। जब आपको किसी से बोलना हो कुछ देर के लिए यहाँ ठहरो, तब आप बोलोगे स्टे हियर फॉर अ व्हाइल। नेक्स्ट इज, डोंट बोदर मी, और यू कैन से डोंट वैक्स मी, मुझे तंग मत करो। एट्थ सेंटेंस इज, लेट हिम से फर्स्ट, पहले उसे अपनी बात कह लेने दो। जब आपको किसी से इंग्लिश में बोलना हो अपने जूते उतार दो, तो उसे आप बोलोगे टेक ऑफ योर शूज। टेंथ इज, हरी अप, जल्दी करो। इलेवेंथ सेंटेंस इज, राइट लेजिबली, डोंट स्क्रिबल, साफ साफ लिखो, घसीटे मत मारो। नेक्स्ट इज, उसके टखने में मोच आ गई है, शी हैज स्प्रेन्ड हर एंकल। स्प्रेन का मतलब होता है मोच और एंकल होता है एडी के ऊपर का हिस्सा, जिसको हम टखना बोलते हैं। नेक्स्ट इज, पंखा चला दो, टर्न ऑन द फैन। और अगर आपको बोलना हो पंखा बंद कर दो, तब आप बोलोगे टर्न ऑफ द फैन। इसे आप स्विच ऑन द फैन या स्विच ऑफ द फैन भी बोल सकते हो। नेक्स्ट इज, तुम क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना। देखते हैं अगला सेंटेंस। 15th इज, माई राइट आई इज ट्विचिंग, मेरी दाईं आंख फड़क रही है। ट्विच का मतलब होता है फड़कना। और अगर आपको इसी सेंटेंस को बोलना हो कि मेरी बाईं आंख फड़क रही है, तब आप बोलोगे माई लेफ्ट आई इज ट्विचिंग। नेक्स्ट इज, यू ओ मी 500 रुपीज, आपको मेरे 500 रुपये देने हैं। और अगर आपको बोलना हो कि आपको मेरे 1000 रुपये देने हैं, तब आप बोलोगे यू ओ मी 1000 रुपीज। 17th इज, रेज योर हैंड। रेज योर हैंड का मतलब होता है अपना हाथ उठाओ। क्लासरूम में भी टीचर कई बार इस तरीके के सेंटेंस यूज करते हैं, जैसे कि वो बोलते हैं अगर तुम्हें आंसर पता है तो हाथ उठाओ, रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। 18th इज, योर शर्ट इज अनटक्ड, आपकी शर्ट पैंट से बाहर आ रही है। और अगर आपको किसी से बोलना हो अपनी शर्ट को अंदर करो, तब आप बोलोगे टक इन योर शर्ट। नेक्स्ट इज, इट्स वेरी हॉट आउटसाइड, बाहर बहुत गर्मी है। और अगर आपको बोलना हो बाहर बहुत ठंड है, तो आप बोलोगे इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड। नेक्स्ट इज, मेरा सिर दुख रहा है, माई हेड इज एकिंग। और अगर आपको बोलना मेरी पेट दुख रही है, तो इसी तरीके से आप सेंटेंस को बनाओगे, यू विल से माई बैक इज एकिंग। एक का मतलब होता है पेन। नेक्स्ट इज, मुझे प्यास लग रही है, आई एम फीलिंग थर्स्टी। 23rd इज, लीव मी अलोन फॉर सम टाइम, मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। नेक्स्ट, क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू नो मी। नेक्स्ट इज, आई नो यू प्रिटी वेल, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हो, आई नो यू वेरी वेल। अगला सेंटेंस है, इसके लिए तुम जिम्मेदार हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। नेक्स्ट इज, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। 28th इज, तुम बड़े चालू इंसान हो, यू आर एन एक्सट्रीमली कनिंग पर्सन। कनिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा चालू और चालाक। नेक्स्ट इज, यू शुड बी अशैम्ड ऑफ योर सेल्फ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने आप पर। या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जब आपको किसी को बोलना हो अपनी हरकतें सुधार लो, तब आप बोलोगे मेंड योर वेज।
कई बार हमें कोई जब सैड न्यूज़ बताता है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हम बोलते हैं मुझे जानकर दुख हुआ। तो आप इसे इंग्लिश में बोलोगे आई वॉज सॉरी टू हियर दिस। नेक्स्ट, तुम इसे करने के लिए अभी बहुत छोटे हो, यू आर टू यंग टू डू दिस। जब किसी की बात या कोई आइडिया हमें बहुत अच्छा लग जाता है तब हम क्या बोलते हैं, यार तुमने तो लाख रुपए की बात कह दी। तो आप दोस्तों इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, यू विल से व्हाट अ जेम ऑफ थॉट। नेक्स्ट इज, तुम्हारा जब मन हो तब, कोई जल्दी नहीं है, टेक योर ओन टाइम, देयर इज नो हरी। नेक्स्ट, अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, इट्स गुड दैट यू टोल्ड मी। कई बार होता नहीं कि हम बहुत गुस्से में होते हैं और हम कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन बाद में फिर हम क्या बोलते हैं, मैंने जो गुस्से में बोला उसके लिए मुझे माफ कर दो। तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, यू विल से फॉरगिव मी फॉर व्हाट आई सेड इन रेज। रेज का मतलब है एंगर। नेक्स्ट इज, आई डोंट रिमेम्बर, मुझे याद नहीं। नेक्स्ट इज, मुझे घर पर सैकड़ों काम है करने को। इस सेंटेंस को तो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप इसे कैसे बोलोगे इंग्लिश में, यू विल से आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू एट होम। नेक्स्ट इज, ऐसे अजीबोगरीब मुंह बनाना बंद करो, या ऐसी अजीबोगरीब शक्लें बनाना बंद करो। तो आप इसे इंग्लिश में बोलोगे स्टॉप मेकिंग सच वियर्ड फेसेस। सेंटेंस नंबर 40 इज, आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है, नो वर्ड्स आर इनफ टू कॉम्प्लीमेंट यू। नेक्स्ट इज, ही सीम्स टू बी अ नाइस पर्सन, वह एक अच्छा इंसान लगता है। कई बार आप बोलते हो ना कि मैं यूं गया और यूं आया, या मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलोगे, यू विल से आई विल बी बैक इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। नेक्स्ट इज, आपको कुछ बोलना है तो आप इसको अलग अलग तरीके से बोल सकते हो, जैसे कि डू यू हैव एनीथिंग टू से, और डू यू वॉन्ट टू से समथिंग, और वाना से समथिंग। तो इस तरीके से, तीन तरीके से आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट इज, मैंने बोला था सतर्क रहना, आई टोल्ड यू टू बी केयरफुल। देखते हैं अगला सेंटेंस, किसी को बताना मत इस बारे में, डोंट टेल एनीवन अबाउट इट। नेक्स्ट इज, बाद में मिलते हैं, आप इसे बोल सकते हो कैच यू लेटर या सी यू लेटर। नेक्स्ट इज, मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं है, तो इसे इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे, यू विल से आई डोंट हैव एनी इश्यूज विद यू, या आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद यू। नेक्स्ट इज, चीज़ों को उलझाओ मत, डोंट कॉम्प्लिकेट द थिंग्स। कॉम्प्लिकेट का मतलब होता है चीज़ों को और ज़्यादा जटिल बना देना, उनको और ज़्यादा उलझा देना। नेक्स्ट इज, आई थॉट एवरीथिंग विल बी फाइन आफ्टर अ वाइल, मुझे लगा थोड़े समय बाद सब ठीक हो जाएगा। फॉर अ वाइल का मतलब होता है कुछ समय पश्चात या कुछ समय के बाद। हमारा आज का आखिरी सेंटेंस है, मैं इस बात को बढ़ाना नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू एस्केलेट दिस मैटर। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का लेसन यहीं ख़त्म होता है। अगर आप इस लेसन की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप इस तरह के और सेंटेंसेस सीखना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो इससे पहले भी मैंने 2 वीडियोस सेंटेंसेस ऑफ डेली यूज़ के ऊपर बनाई हुई हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनके भी लिंक दे दिए हैं, उन्हें भी आप ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। एंड फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।